बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से गुजर रही होगी आपकी ज़िंदगी इंशाल्लाह। आज मेरे किचन में जो बनने जा रहा है जी, वो है एक सिंपल सा डिज़र्ट जो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि झटपट से बन जाने वाला है और बहुत ईजी है। कोई आपको बेकिंग नहीं करनी, कोई आपको कुकिंग नहीं करनी, बस 10 से 15 मिनट लगेंगे तो आपकी जो डिज़र्ट है वो झटपट रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ ओरियोज़ बिस्किट। आप इनके अलावा कोई से भी चॉकलेट बिस्किट ले सकते हैं अगर आपको पसंद है, लेकिन इससे ये बहुत मज़े का बनता है। ये मैंने लिए हैं तकरीबन, आप देख सकते हैं कि 6 से 10 ये बिस्किट हैं। इसके अंदर ये जो क्रीम है इसको मैंने इस तरह सेपरेट कर लेना है, इस तरह इसको निकाल के इन, फिर ये जो बिस्किट हैं ये वाले इस तरह के जो डार्क क्रीम, इनको फिर मैंने मिनी चॉपर में डाल के पीस लेना है। लीजिए अभी बस इसे मैंने पीस लिया है। अगर आपके पास मिनी चॉपर नहीं है तो आप किसी जिप लॉक पैक में डाल के इसको, जो रोलर होता है पिज़्ज़ा रोलर या चपाती रोलर जो होता है, आप उसकी मदद से इसको पीस सकते हैं। अब ये बन गया है सफ़ोफ। अब इसमें मैं डालूँगी मेल्टेड बटर 2 से 3 टेबल स्पून या ज़रूरत के हिसाब से। ये मैंने 2 टेबल स्पून पहले डाला है, इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। इसको मुझे इतना बटर डालना है कि ये जो मिक्सचर है ये आपका एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाए, जुट जाए। कम है तो लीजिए अभी बस ये होगी है मिक्स। आप देख सकते हैं अच्छे से, आपको नज़र आ रही होगी। इसे करते हैं साइड पे। अब इसके दूसरे इंग्रेडिएंट की तरफ आते हैं, वो है डबल क्रीम। आपके आपके पास जो भी आपके वहाँ जो अवेलेबल है आप वो इस्तेमाल करें। ये डबल क्रीम ले लिया, अब मैं इसे बीट करूँगी तकरीबन 2 मिनट तक, फिर इसे मैं फॉर्म की शक्ल में लाऊँगी, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। लीजिए अभी बस क्रीम हो गई व्हिप्ड, इसे मैंने बैग में डाल लिया है। अब मैं इसे काटूंगी, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला प्रोसीजर। ये है मेरे पास डिज़र्ट ग्लासेस, आप कोई से भी ले सकते हैं, डिस्पोजेबल भी मिल जाते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किसी प्लेट में भी बना सकते हैं। पहले हम लगाएंगे ओरियो बिस्किट का जो हमने मिक्सर बनाया था, इसकी लेयर आपको जितनी पसंद है आप उतनी ही इसके अंदर डालें। अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल दें, अगर कम पसंद है तो कम डाल दें। और फिर हम इसके साथ डालेंगे ये जो क्रीम हमने उतारी थी इन बिस्किट्स के ऊपर से, वही क्रीम इसके अंदर में डालूँगी। इतनी ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी, वो इसका एक अलग ही टेक्सचर आएगा इसके अंदर। अब ये जो पाइपिंग बैग है इसको मैं आगे से काट लूँगी। अच्छा, ये आप देख लीजिए जी, ये मैंने इसके अंदर डाल दिए। जितनी आपको पसंद है कम या ज़्यादा लीजिए, ये चलेगी इसके अंदर। ये इस पे क्या बिस्किट लीजिए, हमारा एक गिलास हो गया रेडी, एक बाउल हो गया रेडी। हम अब बाकी भी इसी तरह बना लेंगे। लीजिए व्यूअर्स, ये रेडी हो चुके हैं, मैंने बाकी जो ग्लासेस थे वो भी रेडी कर लिए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्विक, झटपट से बन जाने वाली ये डिज़र्ट है। आप चाहें तो इस पर चॉकलेट भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, जो कि मैं भी आपके सामने करूँगी थोड़ा थोड़ा से। ये होगा कि बच्चे आपके ईजीली खा लेंगे, ये बच्चे क्या, बड़ों को भी चॉकलेट बहुत पसंद होती है। ये लीजिए, आप अपनी मर्ज़ी का कोई फ्रूट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसे बना, इंशाल्लाह नाइस बनेगा। और क्योंकि बहुत क्विक बनता है तो ओबियसली सबको ही पसंद आएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो में कहीं गलती हो जाए तो दरगुजर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।